इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ एक ही है, ग्रेजुएट। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और एक चीज और है कि इंग्लिश का थोड़ा सा कमांड आपका होना चाहिए, मतलब इंग्लिश अगर नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, कोई फ्लुएंटली जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छी हो जाएगा या फिर आपका इसमें बायजूस में हो सकता है, टॉपर में हो जाएगा। फ्रेंड्स कैसे आप सब, मैं हूँ प्रवीण। फ्रेंड्स आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वर्क फ्रॉम होम है, मतलब घर से ही आप काम कर सकते हैं। और अभी के टाइम में बहुत यूजफुल है ये, क्योंकि अभी जो लोग ऑफलाइन भी वर्क कर रहे थे उनको भी ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है, तो ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप फ्रेशर है और ग्रेजुएट है या फिर एक दो साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये वीडियो। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें वन टू वन बताऊंगा और कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, सब कुछ प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ एक ही है, ग्रेजुएट। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और एक चीज और है कि इंग्लिश का थोड़ा सा कमांड आपका होना चाहिए, मतलब इंग्लिश अगर नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, कोई फ्लुएंटली जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छी इंग्लिश, नॉर्मल भी आप इंट्रोडक्शन वगैरह दे सकते हैं तो उतना भी चल जाएगा, तो उतनी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ग्रेजुएट अगर आप हैं तो उतनी इंग्लिश आपको आती ही होगी। तो यही दो क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ज्यादातर ऑफलाइन जॉब्स में जब आप जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू मेन चीज है, वहां पे पहले आप पास होते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर जॉब मिलती है। ये प्रोसेस होता है, सब जानते हैं। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसी कंपनी, यहाँ पे आपको इंटरव्यू पहले नहीं होगा। यहाँ पे जो बेसिकली है फ्रेशर्स के लिए बनाया गया है और जो ग्रेजुएट है उनके लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, आपको दो क्वालिफिकेशन आपने कर लिया, उसके बाद क्या करना है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, और एक सीवी अपलोड करना है, यही काम करना है। उसके बाद आपके पास मेल आएगी और मेल पर आपको सारी डिटेल शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इस कंपनी के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में, यहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो काम है यहाँ पे सेल्स पर्सन का, मतलब आप सभी जानते हैं कि सेल्स में जो है जॉब सबसे ज्यादा टफ भी होता है और सबसे ज्यादा इजी भी होता है और सबसे ज्यादा अर्निंग के लिए भी होता है, मतलब सबसे ज्यादा अगर पैसे कमाई होती है लोगों की तो वो सेल्स में ही होती है। और अभी अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो सेल्स में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज मार्केटिंग होती है, सब चीज की मार्केटिंग होती है और हर कंपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाती है और उसको मार्केट में सेल करती है, बेचती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सेल्स पर्सन की जरूरत सबको होती है, हर एक कंपनी को होती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो सेल्स अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपके लिए। यहाँ पे आप सेल्स में अगर जाना चाहते हैं तो काफी अच्छा यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं और सैलरी इंसेंटिव तो बहुत ज्यादा है। आप कहीं से भी किसी से भी आप पूछेंगे तो सेल्स में जितनी सैलरी होती है और जितनी इनकम होती है उतनी किसी अदर डिपार्टमेंट में नहीं होती है। जैसे आप अगर क्लरिकल जॉब करेंगे या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करेंगे या फिर रिसेप्शनिस्ट का करेंगे या फिर अदर डिपार्टमेंट, तो वहां पे इनकम नहीं होती है, फिक्स होता है बहुत कम, 10,000-12,000 यही होता है। लेकिन अगर सेल्स में आप काम करेंगे तो वहां पे अगर आपके अंदर स्किल है तो आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल्स का काम करना है, बेसिक तो यही है। अब सेल क्या करना है, आपको कोई सामान नहीं यहाँ पे सेल करना है, आपको सर्विस बेचना है और सर्विस भी डायरेक्ट नहीं सेल करना है, मतलब डायरेक्ट आपको कस्टमर से सेलिंग नहीं करनी है। यहाँ पे क्या करना है, आपको मेजर कंपनीज में बता देता हूँ जो कि ऑनलाइन टीचिंग की कंपनीज है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है, सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपका वेदांतु हो गया, आप सब जानते हैं, आपका बायजूस हो गया, ये भी सब जानते हैं, टॉपर हो गया, उसके बाद आपका चेक हो गया, ये सारे जो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, मेरिट नेशन हो गया, तो ये सारे ऑनलाइन टीचिंग की कंपनीज है और इनके लिए ही आपको सेल करना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या सेल करना है, आपको पेरेंट्स के पास बात करनी है, पेरेंट्स से और उनके बच्चों से बात करनी है और उसके बाद जो स्टूडेंट होंगे उनको कन्विंस करना है, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि आप हमारी सर्विस ले लीजिए, आपको आपके स्टूडेंट्स को आपके बच्चों को ये फैसिलिटी मिलेगी, इतनी फीस होगी, ये चीजें होगी, जो भी पैकेज होता है वेदांतु का हो गया आपका, इसका हो गया आपका वेदांतु का हो गया, बायजूस का हो गया, टॉपर का हो गया, जो भी मेन साइट्स है उनके जो पैकेजेस है स्टूडेंट्स के लिए वो आपको यहाँ पे सेल करना है। तो ये काफी अभी तो वैसे भी बहुत इजी है ये सेल करना, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में और अभी पेंडेमिक चल रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हाई पर है अभी, जितना आज तक कभी नहीं हुआ था। लोग जानते भी नहीं थे कि ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, अब सब जान गए और स्टूडेंट भी अवेयर है, पेरेंट्स भी अवेयर है।
तो लोग यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं इजिली, तो आपको ऐसा नहीं है कि सेल में है तो बहुत टफ वर्क होगा, इजिली आपका सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कंपनी ट्रेन करेगी आपको, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, उसका सेलिंग स्किल सिखाया जाए, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे मेन काम है सेल्स का, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पे मिनिमम 50,000 है, कम से कम 50,000 और अबव आप जा सकते हैं 75,000 के आसपास। तो अबव नहीं जाते हैं क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो 50 नहीं तो 40 तो लेके चलिए, इतनी तो आपको मिलेगी क्योंकि इनका जो पैकेज स्केल है वो मिनिमम 3.5 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है। 3.5 लाख का पैकेज है जो कि मिनिमम पैकेज है, उससे ऊपर ही आपकी पैकेज होगी। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा है, आपका स्किल कैसा है, ट्रेनिंग आपने कैसे कम्प्लीट किया, ये सारी चीजें। तो ये तो होगी सैलरी और क्वालिफिकेशन हो गया, वर्क प्रोसेस हो गया। आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि यहाँ पे आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है और रजिस्टर कर लेना है। फिर मेल आएगी, उसके बाद सारी डिटेल्स वहाँ पे वो शेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ये सारी चीजें पता चल गई। अब मैं आपको सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो बता देता हूँ कि इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको क्या करना है। नो इंटरव्यू मैंने इसीलिए पहले बताया क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोसेस में आपको ये लोग ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहले आपका बेसिक रिज्यूम ये सब ले लेंगे, उसके बाद आपको कॉल आएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पहले ट्रेनिंग होगी जॉब से पहले। तो ट्रेनिंग में क्या आपको सिखाया जाएगा, तो 4 चीजें सिखाई जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि BD एग्जीक्यूटिव, जो आप सब जानते हैं अगर सेल्स में पहले से होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ये वो पर्सन होता है जो कि कंपनी के बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी कि वो सेल्स पर्सन होता है और जो टारगेट उसको दिया जाता है वो सेल करता है। तो इसको बोलते हैं इजी लैंग्वेज में आप सेल्स पर्सन बोल सकते हो इसको। तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे, BD मतलब बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में ट्रेनिंग देंगे आपको। वो ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगा 1 मंथ का, उसके बाद फिर 1 महीने की और ट्रेनिंग हुई आपको स्किल्स के बारे में, सेलिंग स्किल आपको सिखाएंगे ये लोग कि आपको सेल कैसे करना है प्रोडक्ट, ये भी हो गई, ये भी 1 मंथ का होगा। फिर आपको ये कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे कि कस्टमर से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट टेस्ट आपका ट्रेनिंग जो होगा वो होगा कि आपको इस पर कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है, टारगेट अचीव कैसे करना है और कंपनी की डिटेल, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरीके से 4 फेज में पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक गारंटी, ये वेबसाइट गारंटी देती है 200% जॉब प्लेसमेंट की। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग दे देंगे और बोलेंगे कि अपना जॉब जाके ढूंढो कहीं या इंटरव्यू दो, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग देना और प्लेसमेंट करवाना इसी का काम है, इसी सेम कंपनी का है। आपको जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको कहीं और नहीं जॉब ढूंढना है, आपको चुपचाप यहीं पे स्टे करना है और यही कंपनी आपको काम दिलवा देगी, प्लेसमेंट करवा देगी प्लेसमेंट एजेंसी की तरह, ठीक है। तो जैसे कि आपका वेदांतु में हो जाएगा या फिर आपका इसमें बायजूज में हो सकता है, टॉपर में हो जाएगा, मेरिट नेशन में हो जाएगा, कहीं ना कहीं जहाँ भी वैकेंसी होगी वहाँ ये इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे और आप ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है, जब आपके हाथ में ऑफर लेटर आ जाएगा जिसपे आपका सब कुछ होता है, ज्वाइनिंग लेटर जिसको बोलते हैं, वो जैसे ही आपके हाथ में आता है देन आपसे ये कुछ चार्ज लेंगे जो कि ज़्यादा नहीं होगा सैलरी के अकॉर्डिंग। 3 इंस्टॉलमेंट में आपको 25,000 आपको पे करना होगा 3 इंस्टॉलमेंट में, 25,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। और ये भी तब जब आपकी जॉब लग जाएगी, पहले आपसे नहीं ले रहे ये लोग कुछ, जॉब लगने के बाद ले रहे हैं। तो जॉब लगने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट में 25,000, यानी कि सबसे पहले जब ऑफर लेटर आ जाए तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट दे देना है, उसके बाद पहली सैलरी जब आपकी आएगी तो आपको पहली सैलरी से थोड़ा सा अमाउंट वो लोग काट के आपको दे देंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट, सेकेंड सैलरी जब आएगी तो वो थर्ड पेमेंट आपसे ले लेंगे। 3 किस्तों में 25,000 वो ले लेंगे और वो इस चीज का लेते हैं क्योंकि उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड करवाया है, मतलब कि 25,000 में उन्होंने सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने आपको प्लेसमेंट करवाया, जॉब दिलवाया, तो इस सारी चीज़ों का वो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ का पहले नहीं चार्ज कर रहे हैं क्योंकि देखिए पहले चार्ज करने का मतलब क्या होता है, कंपनी फ्रॉड भी हो सकती है, पैसे लेके भाग जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी देन आपको ये सब चीज़ करना है, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और इस वेबसाइट का नाम है samaschool.com, जिसकी लिंक आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाइए और वहाँ पे जाके आप इजीली वहाँ पे क्लिक करिए और डायरेक्ट आप उसके लिंक पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाके आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको अभी तक स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ पे सब कुछ मैंने स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एक बार वेबसाइट को थॉरली आप चेक कर लीजिएगा देन यहाँ पे अप्लाई करिएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑनलाइन अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे मैं लाता रहता हूँ, इसी तरह के भी यूजफुल वीडियोज। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।